हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूनसिपल वाटर सप्लाई। इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स देखने हैं, पहले वो देख लेते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि म्यूनसिपल वाटर सप्लाई कॉरपोरेशन किस किस स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करती है, उसके बारे में बात करेंगे। रिक्वायरिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसको बाउंडेशन फॉलो करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन म्यूनसिपल वाटर सप्लाई, यानी कि जो पानी का सप्लाई होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट कैसे क्या क्या होता है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेंट। सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन ऑफ कोगुलेंट दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम बात करेंगे फिल्टराइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि पानी का ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों महसूस है म्यूनसिपल वाटर सप्लाई को, ठीक है। तो व्हेन वाटर फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, इट पिक्स नंबर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड सोइल, गार्बेज, स्वेज, प्लास्टिक एंड अदर ह्यूमन एनिमल केमिकल वेस्टेज, ठीक है। जब पानी अर्थ की डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर से पास आउट होता है तो अपने साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज लाइक एनिमल एंड ह्यूमन केमिकल्स वेस्ट, प्लास्टिक, स्वेज, सोइल, गार्बेज एक्सेट्रा अपने साथ कंटेन करता जाता है। इसकी वजह से पानी क्या है वो अशुद्ध यानी कि इम्प्योर हो जाता है। म्यूनसिपल वाटर ट्रीटमेंट एम टू मेंटेन द एडिक्वेट ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, यानी कि डोमेस्टिक सप्लाई के लिए म्यूनसिपल वाटर ट्रीटमेंट का जो एम है वो पानी का स्टैंडर्डाइजेशन करना है, मीन्स पानी की क्वालिटी को सुधारना है। यानी कि हमारे घरों में जो पानी आता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है, उसके बाद ही वो हमें सप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या उनको स्टेप्स होती है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन ऑफ वाटर, तो क्या डेफिनेशन है वाटर की म्यूनसिपल वाटर कॉरपोरेशन के लिए, किन किन अंदर क्या क्या वाटर का स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो पहला उनका है प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, अंदर है प्राइमरी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द मैक्सिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि ह्यूमन हेल्थ के अकॉर्डिंग वो ये तय करते हैं कि कितना मिनरल्स कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए पानी के अंदर, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्डाइजेशन। सेकेंडरी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्डाइजेशन विच मे वेरी फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, सेकेंडरी स्टैंडर्डाइजेशन अलग अलग पैलेस के अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट, कलर, ऑर्डर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर एक्सेट्रा। इट डजेंट हैव एनी इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर वो पॉइंट्स शामिल किए गए हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट नहीं करते हैं, और ये सेकेंडरी स्टैंडर्डाइजेशन पैलेस टू पैलेस वेरी कर सकते हैं, एक पैलेस से दूसरे पैलेस के लिए वेरी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स क्या होते हैं, टेस्ट, कलर, ऑर्डर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ कि लोग हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वो तीखा खाने की ज़्यादा आदत होती है, तो इसी पैलेस टू पैलेस इसी वजह से ये पैलेस टू पैलेस सेकेंडरी स्टैंडर्डाइजेशन वेरी कर सकता है। अब मेन इम्पॉर्टेंट है रिक्वायरिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो पहला है वाटर शुड बी क्लीन, कलरलेस एंड प्लीजेंटेस्ट। सबसे पहला क्या है, वाटर को क्लीन होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, प्रेजेंट इन टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सॉलिड्स हार्डनेस शुड बी लेस देन 500 ppm, यानी कि सॉलिड हार्डनेस है उसकी अमाउंट कितना होना चाहिए, 500 ppm से कम होने चाहिए। pH शुड बी 7.7 to 8, pH कहाँ तक होना चाहिए, 7 to 8 के बीच में होना चाहिए। वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम वेरियस हार्मफुल गैसेस, वाटर के अंदर कोई भी हार्मफुल गैसेस डिजॉल्व नहीं होने चाहिए। वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम लेड, आर्सेनिक एंड क्रोमियम, वाटर के अंदर लेड, आर्सेनिक और क्रोमियम नहीं होना चाहिए। क्लोराइड एंड सल्फेड शुड बी लेस देन 250 ppm, यानी कि क्लोराइड और सल्फेट की जो क्वांटिटी 250 ppm से कम होनी चाहिए। फ्लोराइड शुड बी लेस देन 125
ppm, ठीक है. फ्लोराइड की जो क्वांटिटी है 1 टू 5 ppm के बीच में होनी चाहिए. वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम डिसेस्क्यूजिंग बैक्टीरियाज, ठीक है. वाटर को डिसेस्क्यूजिंग बैक्टीरिया से भी फ्री होना चाहिए. तो हमने तो ये बात कर ली रिक्वायरिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है किसी पानी के अंदर और डोमेस्टिक सप्लाई की नीड है तो उस वाटर को ट्रीट कैसे किया जाता है, अब हम वो बात करेंगे. यानी कि पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से प्रोसेस अपनाया जाता है, किसके द्वारा, म्यूनसिपल वाटर सप्लाई कॉरपोरेशन के द्वारा. तो सबसे पहला स्टेप है स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग के अंदर क्या है, स्क्रीनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लोटिंग पार्टिकल्स. इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास डाउन फ्रॉम स्क्रीनिंग हैविंग होल इन इट, ठीक है. तो इस पहला स्टेप ही स्क्रीनिंग का. स्क्रीनिंग के अंदर वाटर के अंदर जो भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक, पेपर, वुड, उन सबको पास आउट कर, उस वाटर को पास आउट किया जाता है स्क्रीनिंग के अंदर, जिसके अंदर होल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे. तो जब वाटर से पास आउट होता है तो सारे फ्लोटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है. सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेडिमेंटेशन. इसको समझिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन सेडिमेंटेशन वाटर इज अलाउड टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टैंड इन द डीप टैंक फॉर अ सुपीरियर पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स एक सुपीरियर पीरियड ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए पानी को किसी टैंक के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूट यानी कि ऐसे ही रखा जाता है, स्टैंड इन अ डीप टैंकर, एक डीप टैंक के अंदर पानी को रखा जाता है सुपीरियर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंड पार्टिकल्स बाय अलाउविंग वाटर टू स्टैंड इन अ बिग टैंक फॉर 2 to 8 hours. मोस्ट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आफ्टर द क्लीन वाटर is drown out the help of the pump. This process remove only 7 to 50% of suspended particles. Means अगर floating particles को तो हमने screening के help से अलग कर लिया, लेकिन पानी के अंदर कुछ ऐसे element होते हैं जो उससे अच्छी तरह से घुले होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही बारीक बारीक जो कण होते हैं, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, sedimentation का use करते हैं. Sedimentation क्या है, पानी को एक tank में, ठीक है, स्टैंडिंग अनडिस्ट्रीब्यूट यानी कि बस ऐसे ही रखा जाता है. उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ जो भी पार्टिकल्स हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं धीरे धीरे नीचे, और बाद में लगभग 2 to 8 hours के बाद उस पानी को पंप आउट कर लिया जाता है उस टैंक से. लेकिन सेडिमेंटेशन के द्वारा 70 to 75% ही पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं. यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बारीक कण है पानी के अंदर जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस जिन्हें कहते हैं हम, जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, उनके रिमूवल इसके द्वारा नहीं होता है. सेडिमेंटेशन में थोड़े बड़े लेकिन अच्छी तरह से पानी में मिले हुए फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स को ही अलग कर पाएंगे, ठीक है. तो सेडिमेंटेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, पानी को हमने एक टैंक के अंदर अलाउ किया सुपीरियर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है. पानी आया सब टैंक में अच्छी तरह से भर गया. सुपीरियर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी इम्प्योरिटीज़ थी पानी के अंदर फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस वो नीचे इकट्ठे हो गए, ठीक है. बाद में जब पानी जब पार्टिकल्स नीचे बैठ गए तो हमने क्या किया, पानी को पंप आउट कर लिया बाहर, ठीक है. और ये जो पार्टिकल्स नीचे इकट्ठे हुए इनको हमने, जिन्हें हम कहते हैं स्लज, इनको हमने बाहर निकाल लिया. तो सेडिमेंटेशन में तक हो जाए. अब देखिए सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेंट. तो अभी हमने बात करी कि पानी के अंदर बहुत ही फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, उनके रिमूवल के लिए हमें क्या करना चाहिए. उनके रिमूवल के लिए हम अपनाएंगे सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेंट. When water contain finely divided particles of clay, silica do not settle down in the bottom and cannot be removed by the simple sedimentation. जब पानी के अंदर finely divided sometimes किसके सिलिका के मिट्टी के, ठीक है, तो उस बहुत ग्रेविटी फोर्स के वजह से वो सेटल डाउन नहीं हो सकता और सिंपल सेडिमेंटेशन से उनका रिमूवल नहीं हो सकता. For the removal we add some chemical in water known as coagulant, ठीक है. तो
ऐसे फाइनली डिवाइडेड जो पार्टिकल्स हैं जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहे, उनके रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, एक केमिकल्स डालते हैं जिन्हें हम कोगुलेंट कहते हैं। ठीक है, अभी कोगुलेंट क्या होता है, देखिए, सम कोगुलेंट लाइक एनम एंड फेरर सल्फेट प्रोड्यूस Al+3 एंड Fe+2 आयंस विच न्यूट्रलाइज द अपोजिट चार्ज कोलाइडल इन क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, जो भी फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस पानी के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर चार्ज होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। अगर हम कोगुलेट डालते हैं तो वो उनके अपोजिट चार्ज को क्या कर देते, अपोजिट चार्ज की वजह से न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और इस न्यूट्रलाइजेशन की वजह से वो चार्ज लेस हो जाते हैं और वो नीचे आके बैठ जाते हैं। तो समझ में आया कि हमने समझा कि सेडिमेंटेशन विद कोगुलेंट का मतलब क्या है, यानी कि जो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस है अगर हम कुछ केमिकल्स उनके अंदर डालेंगे, जो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस के चार्ज हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। वह न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है, चार्ज विहीन हो जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का आवेश विहीन हो जाएंगे, किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा, उस वजह से वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और सेटल डाउन होने की वजह से जब हमारा स्लज, उसी तरह से स्लज बनेगा, उस स्लज को हम बाहर ब्लो डाउन कर लेंगे। आफ्टर लूजिंग देयर चार्ज दीज पार्टिकल कम नियर टू ईच अदर other and combine the form big particles which settle down due to the force of gravity। तो चलिए एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जो भी इम्प्यूरिटीज फाइनली डिवाइडेड होती हैं जिनके पास ग्रेविटी फोर्स नहीं लग पाता क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इस तो हमें सीधे ही वो सेटल डाउन नहीं हो सकते, तो हमें कुछ करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या डालते हैं, उसके अंदर कोगुलेंट। अब कोगुलेंट अलग अलग कोगुलेंट पर अलग अलग चार्ज होते हैं। ठीक है, हमने अभी दो ही कोगुलेंट पर, लेकिन ऐसे बहुत सारे कोगुलेंट होते हैं और बहुत सारे वो चार्ज डिफरेंट चार्ज के हो सकते हैं। तो जब भी हम कोगुलेंट मिक्सअप करते हैं ना, और देखिए जरूरी नहीं है कि इम्प्यूरिटीज़ भी हमेशा प्लस की और माइनस की, ये भी किसी भी चार्ज की हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो जब हम उसके अंदर कोगुलेंट डालते हैं तो क्या होता है कि आपस में जो डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस वाले इम्प्यूरिटीज़ और कोगुलेंट के सब्सटेंस होते हैं वो मिक्सअप होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटीज़ है ना, इन सब के ऊपर का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और न्यूट्रलाइज होने की वजह से क्या होता है, न्यूट्रलाइज होने की वजह से ये जो सारे इम्प्यूरिटीज़ थे, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस है, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। और आपस में इकट्ठे होकर क्या कर लेते हैं, बड़ा सब्सटेंस बना लेते हैं। और ये बड़ा सब्सटेंस बनाने की वजह से क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स अब इनके ऊपर लग पाएगी, और इस ग्रेविटी फोर्स लगने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसके जिनको हम बाद में स्लज निकाल सकते हैं ब्लो डाउन करके। तो अब हमें सेडिमेंटेशन विद कोगुलेंट समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस माइंड अप कर देता हूँ कि वाटर के अंदर अगर फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस हैं तो सबसे पहले हम सिंपल सेडिमेंटेशन करते हैं, तो वो ग्रेविटी फोर्स उनके पर लगती है और वो जो इम्प्यूरिटीज हैं वो नीचे इकट्ठी हो जाती है और हमको ब्लो डाउन करके निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस यानी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सब्सटेंस हैं तो उनके पर ग्रेविटी फोर्स नहीं लग पाता, और तो अब ग्रेविटी फोर्स नहीं लगेगा तो नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाते और इस वजह से निकाल नहीं पाते। तो इसके रिमूवल के लिए हम उनके अंदर क्या मिलाते हैं, कोगुलेंट। कोगुलेंट क्या करता है, उनके ऊपर जो चार्ज हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करने की वजह से जो भी सब्सटेंस हैं वो आपस में इम्प्यूरिटीज़ हैं वो आपस में क्या होती है, बाइंड अप होकर एक, देखिए यहाँ पे, आफ्टर लूजिंग दियर चार्ज दीज पार्टिकल कम नियर टू ईच अदर एंड कम्बाइन टू फॉर्म बिग पार्टिकल विद सेटल डाउन टू द ग्रेविटी फोर्स। तो वो बाइंड अप होने के बाद वो बिग सब्सटेंस बनते हैं और अब उनके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लग जाएगा, और ग्रेविटी फोर्स लगने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अभी आगे हमारे पास ये एग्जांपल्स है कोगुलेंट्स के, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप इनकी पिक्स ले लें और इनको खुद ही समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्टराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो कीप विथ मी, थैंक यू।